नमस्कार दोस्तों, गर्मी बढ़ने लगी है, बिल्कुल गर्म हवा चलने लगी है। ऐसे में पौधों का सर्वाइव करना भी बड़ा ही मुश्किल है। आज हम देखेंगे पौधों को कैसे गर्मी से बचाया जाए और गर्म हवा से बचाया जाए, जिससे कि इसकी मिट्टी जल्दी से ना सूखे। सबसे पहले तो अगर आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं तो वो लगाएं, वरना सभी गमलों को एक झुंड में रख दीजिए। इससे इनके आसपास नमी बनी रहेगी और बीच बीच में इस तरीके से पानी भरकर रख दें, इससे भी वाष्पीकरण होता रहेगा और पौधों में नमी बनी रहेगी। पौधों की मिट्टी जल्दी ना सूखे, इसके लिए हम एक इलाज ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर सूखी पत्तियां बखेर दें। सूखी पत्तियां पानी को जल्दी नहीं उड़ने देंगी और पौधे में नमी बनी रहेगी। कुछ समय के बाद ये पत्तियां खाद का काम करेंगी। दूसरा तरीका है कि आप नारियल के छिलके गमले में फैला दें, जिससे सीधी धूप ना लगे और हवा भी खुश्की इसमें ना ला पाए। चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। आपके पास मिट्टी के छिलके हैं तो उसकी भी एक परत मिट्टी के ऊपर फैला सकते हैं, लेकिन पौधे में नमी को बनाए रखेगी। आपके पास यूज्ड सूखी चाय पत्ती है तो वो भी आप गमले में फैला सकते हैं, ये भी जल्दी से मिट्टी को सूखने नहीं देगी, नमी को बना के रखेगी। मौसमी या संतरे के छिलके भी आप सूखे होने चाहिए, ऊपर से फैला दें, धूप से और गर्म हवा से बचाएगी ये पौधे को। आप ऊपर से स्टोन भी फैला सकते हैं, ये भी प्रोटेक्शन देंगे पौधे को। और कुछ भी नहीं है तो कागज के टुकड़े, गत्ते के टुकड़े, अंडे की ट्रे की टुकड़े आप इसमें पौधे में फैला सकते हैं, ये भी पौधे में नमी को बना के रखेगा, जल्दी से मिट्टी को खुश्क नहीं होने देगा। इस तरह से मल्चिंग करने से हमारे पौधे गर्मी से बचे रहेंगे और जल्दी से खुश्क नहीं होंगे। तो आप भी पौधों को बचाने के लिए इस तरह से मल्चिंग करिए। इस मल्चिंग में कोई भी फंगस ना लगे, इसके लिए हम कोई भी फंजीसाइड लेकर पानी में घोलकर स्प्रे कर देंगे, कम से कम 10 दिन में एक बार, ताकि सभी पौधे फंगस से बचे रहे। सबसे अच्छा तरीका मल्चिंग का सूखे पत्ते हैं, जो कि बाद में खाद का रूप ले लेंगे। इस तरह से जो भी आपके पास अवेलेबल है उसी से आप पौधों की मल्चिंग करिए और उन्हें इस तपती गर्मी से बचाइए। तपती गर्मी से पौधों को बचाने के लिए आपको ये तरीके मल्चिंग के पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।